अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। आज मैं आलू कीमा बना रही हूँ। जीरा, कड़ी पत्ता और एक ब्लैक मिर्च, एक चम्मच ब्लैक मिर्च और एक स्टिक मैंने डाली है। और मैं प्याज डाल रही हूँ। इसमें मैंने ब्लैक मिर्च एक चम्मच जीरा और एक स्टिक दालचीनी दी और अदरक पत्ता कड़ी मैंने डाल के हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। आंच मैंने थोड़ी सी तेज रखी है। अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट डालूंगी। अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट डालेंगे। अब टमाटर डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी डाल दूँ, थोड़े टमाटर हो जाए। अब इसमें थोड़े से मसाले डाल दूँगी। धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच मिक्स मसाला, चौथाई चम्मच हल्दी और आधी चम्मच नमक, ये मैंने डाल दिए। मसाला अच्छे से भूनेंगे। ये टमाटर टमाटर सब गल जाए, अच्छे से मसाला बन जाए। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। इसमें ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें कीमा डाल दूंगी। कीमा अच्छे से भुनेंगे। इसमें जो पानी है वो खुश्क होगा तो फिर उसके बाद आलू डालेंगे हम। जब तक इसमें पानी होगा तब तक आलू नहीं डालेंगे। 5-6 मिनट इनको भुनेंगे, पानी खुश्क हो जाएगा, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें डालेंगे। देखिए अच्छे से भुन गया है। इसमें आलू डाल दूँ। जब तक कीमा अच्छा बने ना बस बारिश हुआ कोश की, बच्चे भी नहीं खाते, बड़े भी नहीं खाते। अच्छे से बन जाएगा तो खुशबू खत्म हो जाएगी गोश्त की, कच्चे गोश्त की। उल्टा सी लेना बहुत क्रेजी है खाने की चीज़ें।
थोड़े आलू बड़े बड़े लंबे लंबे काटे, अब इसमें छोटे वाला एक बड़ा कप होते छोटा कप होते छोटा कप एक पानी का डाल के इसको धीमी आँच पे रख दूँगी, बिल्कुल नीचे से धीमी कर दूँगी जैसे दम के नहीं रखते उस तरह से। 10 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, 10 मिनट तक भी तैयार हो गया। छोटे कप में ये आलू गल जाएंगे फिर आपको दिखाती हूँ तैयार कर। पानी मैं आपके सामने डाल देती हूँ, कितना डालना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। बस ये पानी डाल दी इसमें, बिल्कुल दम वाली आंच रखूंगी और ऊपर ढक्कन दे दूंगी। 10 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ।